गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज। स्वागत है आप सब लोगों का इंग्लिश के इस वोकैबुलरी क्लास में। और यहां पर आप मेरे साथ सीखते हैं रूट वर्ड के थ्रू बहुत सारे शब्द, एक ही शब्द ऐसा जो आपको कई सारे शब्द दे जाता है। डिस्कशन में हम देखते हैं कि जितने शब्द लिखे हुए उनको तीन गुना चार गुना बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिर से आज आपके सामने एक और नया रूट वर्ड है। आप लोग अगर SSC की तैयारी कर रहे हैं, NDA, CDS, नेवी, एयरफोर्स जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो नो डाउट आपके वन वर्ड के जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट यहां से बनते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं, बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों वहाँ पे भी बहुत बार इनसे जुड़े हुए और इनमें भी कुछ ऐसे शब्द मैंने डाले हैं जो काफ़ी बार एग्जाम्स में देखे गए हैं, तो आपको शब्दों का पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का जो स्पेशल रूट वर्ड है, और वो रूट वर्ड है दोस्तों आज का थी, या फिर आप इसे थियो कह सकते हो। ठीक है, थियो की अगर हम बात करते हैं तो ये हमेशा आता है गॉड के लिए। ठीक है, या फिर कभी कभी यही शब्द यूज़ होता है रिलीजन के लिए। किसके लिए दोस्तों? रिलीजन के लिए। ठीक है, धर्म या फिर ईश्वर के लिए अगर शब्द थियो यूज़ किया जाता है तो इनका मीनिंग इनसे रिलेटेड निकलता है। अब देखते हैं आपके सामने पहला शब्द है थीस्ट। तो थीस्ट का मतलब क्या होता है आप सभी को? ये शुरुआत में कुछ शब्द ऐसे हैं जो बड़े ही बेसिक हैं, आप लोगों को पता है। धीरे धीरे शब्दों का जो लेवल है वो बढ़ाया हुआ है और आपको सीखने में बहुत मज़ा आने वाला है। हम कोशिश करेंगे एक शब्द से बनने वाले और दूसरे शब्दों को भी जाने। ठीक है, देखो थीस्ट का मतलब आपको पता ही है, जो इंसान यकीन रखता है, वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो ईश्वर में यकीन रखे। वहीं पर अथीस्ट इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अरे इसका अपोजिट ही तो है अथीस्ट। अथीस्ट का मतलब वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर में यकीन ना करे, किसी धर्म में यकीन ना करे। ठीक है, अब यहीं से अगर मैं बात करूं थीस्ट बना हुआ है, ये तो इंसान हो जाएगा, एक तरह का कॉमन नाउन है। लेकिन अब आपको इसी से बनने वाले दूसरे शब्द के लिए आपको डिक्शनरी उठाने की ज़रूरत नहीं। अगर इसमें आइज़म लग गया तो ये एक तरह की क्या हो गई? आइडियोलॉजी हो गई। ठीक है, एक ऐसी विचारधारा जिसमें ईश्वर पे यकीन, जो ये कहती है कि ईश्वर है, ऐसी आइडियोलॉजी को आपने क्या कहा? थीज़्म। और इसको मानने वाले लोग कौन हो जाएंगे? थीस्ट। ठीक इसी तरह से अगर अथीस्ट की आप बात कर रहे हो, देखो ये ए इसी थीस्ट के मीनिंग को क्या कर रहा है? नेगेटिव कर रहा है। इसका मतलब नो होता है या नॉट होता है, नॉट थीस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक्चुअल में इसका मतलब क्या तैयार हुआ? अथीस्ट का मतलब तैयार हो गया भाई, जो नहीं यकीन करता है। अगर मुझे इससे थीज्म बनता है तो इससे क्या बनाना पड़ा? अथीज्म। बड़ी आसानी से आप बना लोगे। अरे बना लोगे कि नहीं बना लोगे, है ना? अथीज्म। ठीक है, अब देखो एक तो होता है ऐसा इंसान जो ये मानता है कि ईश्वर है, एक ऐसा इंसान जो ये मानता है कि ईश्वर नहीं है। थीस्ट और अथीस्ट आपके सामने आए। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि साफ कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता इस बारे में कि ईश्वर है या नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है उसने खुद ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस ना किया हो। ठीक है, या फिर उसने देखा नहीं तो वो मानने को तैयार नहीं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहते हो? ऐसे लोगों को कहते हो एग्नोस्टिक। क्या कहते हो दोस्तों? एग्नोस्टिक। अगर मैं इस शब्द की बात करूं, इसमें रूट वर्ड जो है वो ग्नोज है, GNOSE। इस ग्नोज का मतलब होता है टू नो, जानना। इससे भी कई सारे शब्द बनते हैं, हम सीखेंगे। रूट वर्ड है अपने आप में ग्नोज भी। ठीक है, तो एग्नोस्टिक का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा इंसान हु डजंट नो, जो जानता नहीं, जो ये कहता हो कि उसे नहीं पता कि ईश्वर है या नहीं है, तो ऐसे इंसान को कहा जाता है एग्नोस्टिक। ठीक है, अब देखो अगले शब्द की अगर मैं बात करूं तो थियोलॉजी। थियोलॉजी बड़ी आसानी से आप समझ लोगे, लॉजी शब्द आपका सीखा हुआ है, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, पढ़ाई करना। थियो मतलब क्या हुआ? गॉड। आसानी से समझ में आ गया, स्टडी ऑफ गॉड या फिर रिलीजन, धर्म का या फिर गॉड के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? थियोलॉजी। और जो अगर इसमें स्पेशलिस्ट हो, ठीक है, तो यहीं से आप क्या करोगे? वाई हटाकर लियो IST लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? एक तरह का ये तो क्या हुआ? एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, ABN। लेकिन यहीं पर अगर आपने बनाया शब्द थियोलॉजिस्ट, तो ये क्या हो जाएगा? एक तरह का कॉमन नाउन, यानी कि ऐसा इंसान जो इसको पढ़ता है या फिर इसमें एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट या फिर लाइक द पर्सन हु स्टडीज, ये बन जाएगा द पर्सन हु स्टडीज रिलीजन, जो रिलीजन को पढ़ता है। ठीक है,
अब देखो एक और शब्द है आपके पास में, थियोक्रेसी। थियोक्रेसी की अगर हम बात करें, क्रेसी का मतलब आप सब लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये होता है रूल, शासन व्यवस्था, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट, अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट, किस तरह की गवर्नमेंट, थियो। अब थियो शब्द यहाँ पर एक्चुअल में ईश्वर से ना होकर रूल ऑफ क्लर्जी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? क्लर्जी। क्लर्जी कौन होता है? पुजारी वर्ग, ठीक है। हमने नाउन में इस शब्द को सीखा था, क्लर्जी हमेशा प्लूरल होता है, क्लर्जी हमेशा प्लूरल शब्द होता है, इसके लिए प्लूरल वर्ब, अगर ये सब्जेक्ट बना है तो इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन की आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ऑलवेज प्लूरल वर्ड, ठीक है। तो थियोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा शासन तंत्र जिसके अंदर जो शासन व्यवस्था है वो पुजारी वर्ग ने संभाली है, ऐसे को आप कहते हो, ऐसी शासन व्यवस्था को थियोक्रेसी कहते हो, ठीक। इसी तरह से शासन के लिए क्रेसी शब्द आता है, शासन के लिए ही आपके पास में आर्क शब्द आता है। आपने एक शब्द देखा होगा बहुत बार, एनार्की, देखा होगा आपने एनार्की, तो इसके अंदर भी अगर आप देखो तो आर्की तो शासन व्यवस्था हुआ, अभी आपने सीखा था ए का मतलब नेगेटिव, यानी कि कोई शासन व्यवस्था नहीं, इसी को कहा जाता है अराजकता। क्या कहा जाता है दोस्तों? अराजकता। और अराजकता का मतलब क्या हुआ? अराजकता का मतलब कि यहाँ पर किसी तरह की शासन व्यवस्था नहीं है, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई? अरे बोलो ना, समझ में आई, ठीक है। तो अब देखो थियार्की एक्चुअल में जो शब्द यूज़ होता है, ये आर्क शब्द भी शासन व्यवस्था के लिए आया, और एनार्की का मतलब हुआ जहाँ शासन व्यवस्था नहीं है। थियार्की का अगर मैं मतलब बताऊँ तो थी का मतलब फिर से गॉड के लिए, यहाँ पर पुजारी वर्ग, लेकिन रूल ऑफ एक्चुअल में गॉड की, अगर मैं बोलूँ कि गॉड का ही शासन हो, डायरेक्ट गॉड ही शासन कर रहे हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे? थियार्की कहेंगे, ठीक है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि भाई मानते हैं कि लोग ये थियार्की है, ये ऊपर वाले की लाठी जब चलती है तो आवाज़ नहीं होती, तो यानी कि एक ऐसा कानूनी व्यवस्था भी है जिसके अंदर अगर कोई गुनाह करता है तो उस गुनाह की सजा उसे ऊपर वाला अपने आप दे देता है, उसके लिए किसी अदालत कोर्ट कचहरी जाने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह की शासन व्यवस्था को एक्चुअल में क्या कहा गया? इसी तरह की शासन व्यवस्था को कहा गया थियार्की। यहाँ तक की बातें क्लियर दोस्तों? आगे शब्द जो आया है बड़ा ही अच्छा शब्द है, थियोडी। शायद आप में से किसी को पता हो, बट मैं बता देता हूँ, वन वर्ड के लिए पूछा जाने वाला बहुत ही बेहतरीन सवाल, ठीक है। थियोडी एक्चुअल में अगर आप बात करते हैं लिटरेचर से जुड़ा हुआ, अगर आपके पास में कोई पैसेज आता है तो बैंकिंग जैसे एग्जाम के अंदर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, थियोडी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। जो पैसेज में से जो आपका लाइक वोकैब इन कॉन्टेक्स्ट करके जो शब्द आपसे पूछे जाते हैं उनमें पूछे जाने के लिए इंपॉर्टेंट शब्द है। तो थियोडी क्या होता है? ये एक तरह का कॉमन नाउन है और ये होता है अ हिम। हिम का मतलब एक्चुअल में क्या होता है बताओ भाई दोस्तों? अ हिम, इसमें एन प्रोनाउंस नहीं करना है, इसका मतलब होता है भजन। अ हिम इन प्रेज ऑफ गॉड, इन प्रेज ऑफ गॉड, ईश्वर की तारीफ में लिखा गया भजन क्या कहलाता है? थियोडी कहलाता है, ठीक है दोस्तों। आ जाओ अगले शब्द पर। लिखा हुआ है थियोलोग्योमेनन। क्या लिखा हुआ है? थियोलोग्योमेनन। अब देखो ये शब्द बड़ा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसमें आपका वन वर्ड का क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आपका स्पेलिंग टेस्ट का भी, स्पेलिंग एरर जो आती है यानी कि इनकरेक्ट स्पेलिंग, वहाँ से भी इसका सवाल बनता है, क्योंकि स्पेलिंग बड़ी है और उनके पास में गायब करने के लिए, ओमिट करने के लिए, एक्स्ट्रा जोड़ने के लिए काफ़ी सारे शब्द होते हैं। अपने आप में सिंगुलर शब्द है, इसे आप प्लूरल बनाना चाहो तो आप इसके साथ SEIS जोड़ सकते हो, ठीक है। शब्द अपने आप में कॉमन नाउन है, यानी कि किसी ना किसी इंसान को कहोगे, ठीक है। तो ये किसे कहते हो? एक ऐसा इंसान, a person who has a different opinion, या फिर who has an individual opinion, opinion about God from आप जो शब्द यूज़ कर सकते हो, आप फ्रॉम लाइक डॉगमा कर सकते हो, फ्रॉम डॉगमा, ठीक है, या फिर डॉक्ट्रीन कर सकते हो आप, डॉक्ट्रीन भी अच्छा शब्द है। तो डॉक्ट्रीन मतलब एक्चुअल में क्या होता है? सिद्धांत। किसी भी एक सिद्धांत के अंदर मतलब क्या होता है? कुछ लोगों का अपना खुद का एक अलग विचार होता है, एक सिद्धांत जो कहता है ईश्वर को मानने का, कि भाई ईश्वर ऐसा होता है, ईश्वर ऐसा होता है। हर धर्म ने अपने अपनी तरह से ईश्वर की परिभाषाओं को बना रखा है, लेकिन थियोलोग्योमेनन की अगर मैं बात करूं तो ये वो इंसान होता है जो
जिसकी विचारधारा, जिसके विचार एकदम से अलग होते हैं डॉक्ट्रिन से, जो भी सिद्धांत प्रतिपादित हैं दिए हुए इन लोगों के जो गिवन आइडियोलॉजी है उनसे अलग अगर किसी की विचारधारा है, वो अपना अलग से अपना एक मत रखता है, उसे इंसान को आप थियोलोग्यूमेनियन कहोगे। ईश्वर के बारे में अपना एक अलग विचार रखने वाला, जो कि आपके दूसरे सिद्धांत हैं उनसे अलग है, उसी को आपने क्या कहा, थियोलोग्यूमेनियन। बहुत अच्छा शब्द है, स्पेलिंग पे बिल्कुल ध्यान देना, बड़ा ही आसान शब्द है। देखो थियो, इसको टुकड़ों में अगर हम तोड़ लें तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। थियो का मतलब हुआ गॉड, लोगो का लॉग शब्द आपको पता ही है, हम पहले भी कर चुके हैं, बोलने को लेकर आता है, तो यानी कि बोलना यानी कि बातें भाई ओपिनियन को लेकर हुई। और मैन का मतलब हो गया इंसान, बड़े आसानी से आप समझ जाओगे, आगे ओएन जुड़ा हुआ है, मैनन। ठीक है दोस्तों, अगला शब्द देखिए आपके सामने लिखा हुआ है थियोलॉग। तो ये बड़ा ही बेसिक सा शब्द है, आपने यहाँ पर सीखा था थियोलॉजी, थियोलॉजी यहाँ पर आपने देखा थियोलॉजिस्ट जो एक्सपर्ट हो जाता है, और थियोलॉग एक्चुअल में क्या होता है, स्टूडेंट होता है, क्या होता है, स्टूडेंट ऑफ थियोलॉजी, या फिर रिलीजन आप कह सकते हो सीधा सीधा, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, है ना। तो रिलीजन का जो विद्यार्थी होता है, धर्म के बारे में पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उसे आप क्या कहोगे, थियोलॉग कहोगे। यहाँ तक की बात समझ में आई दोस्तों। देखो अगला शब्द आपके सामने लिखा हुआ है थियोमैक। तो थियोमैक एक्चुअल में क्या होता है, थियोमैक क्या होता है, लाइक द पर्सन, ये भी वन वर्ड के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द, थियो द पर्सन हु अपोजेज गॉड, जो ईश्वर को विरोध करे, जो कहे ईश्वर का विरोध करे, है ना, यानी कि जिसके जो ईश्वर के खिलाफ जाना चाहे, ऐसे को आप क्या कहते हो, थियोमैक कहते हो। यहीं से अगर आपको मान लो कि अगर लाइक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो आप इसके साथ लगा दोगे, वही शब्द बन जाएगा थियोमैकी, आसान है भाई, है कि नहीं है। हाँ, अब आगे एक और शब्द लिखा हुआ है थियोमेट्री। थियोमेट्री का मतलब क्या होता है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, थियोमेट्री का मतलब होता है कि ये डिसाइड करना कि ये भगवान है या नहीं है, ये मंदिर, ये मूर्ति मंदिर में रखने लायक है नहीं है, ये सही है या ये गलत है। तो किसी भी चीज़ के बारे में लाइक अगर मैं बात करूँ, मेट्री जो शब्द यहाँ पर आया है, मेट का मतलब एक तरह से मेटा शब्द भी हमने किया है, मेटा शब्द हमने किया है क्या, शायद नहीं किया, वी विल डू दैट राइट। तो अगर इसका जो एक्चुअल जो मीनिंग आता है वो होता है एस्टिमेशन अबाउट हु द गॉड रियली इज, कि एक्चुअल में भगवान है कौन, इस बारे में अगर कोई एस्टिमेशन दिया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, थियोमेट्री। अब थियोमेट्री को लेकर काफ़ी जगह पर चर्चाएं हुई हैं, टेलीविज़न पे काफ़ी बार इसके बारे में बहस होती है कि भाई आप कैसे तय कर सकते हो, हाउ कैन यू गिव अ काइंड ऑफ थियोमेट्री अबाउट लाइक अ प्लेस, कि भाई ये पूजने योग्य है, यहाँ पर इसकी पूजा की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, थियोमेट्री कहते हैं। ठीक है, थियोमेट्री का मतलब क्या हुआ भाई, गॉड के बारे में कि वास्तव में कौन भगवान है, इस बारे में कोई एस्टिमेशन देता है। एस्टिमेशन देना मतलब आपको पता ही है कि जो निर्धारित करे कि ये है ये नहीं है, इसी को हमने एस्टिमेशन कहा। ठीक है, तो थियोमेट्री का मतलब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक, अगला शब्द आपके सामने लिखा हुआ है थियोमिक्रिस्ट। क्या लिखा हुआ है, थियोमिक्रिस्ट, अभी आप मेरे साथ सीखते हुए आए हैं, IST अगर लगा हुआ है किसी भी शब्द में तो वो एक तरह का क्या हो जाता है, वो एक तरह का इंसान हो जाता है। ठीक है, थियोमिक्रिस्ट का एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो क्या होता है भाई, मिक्री से आप याद रख सकते हो, देखो मिमिक्री करना, मिक करना, तो मिक का मतलब यहाँ पर फन से है, तो एक ऐसा इंसान, वन हु मेक्स फन ऑफ गॉड। अब देखो इनको आप सीधा सीधा भाई आप याद रख सकते हो, यूसेज के साथ ही याद रख सकते हो। थियोमिक्रिस्ट को आप, अभी हमने देखो एक सेंटेंस में सीधा सीधा समझा, थियोमिक्रिस्ट इज अ पर्सन हु मेक्स फन ऑफ गॉड, जो ईश्वर का मजाक उड़ाए। देखा होगा आपने कुछ मूवीज के अंदर भी बहुत बार होता है, प्लीज मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, उधर से शक्ति कपूर साहब कहते हैं अगर मैं तुझे भगवान के लिए छोड़ दूंगा तो मेरे लिए क्या बचेगा। सो ये क्या है, एक तरह से ईश्वर का मजाक ही तो है, या फिर कहा जाए कि भगवान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता,
या फिर भगवान ने ये ऐसा भगवान तोड़ना है, भगवान को मैं देख लूँगा, तो बहुत बार मजाक बनाया जाता है भगवान के नाम के ऊपर, उसी को क्या कहते हैं, थियोमिक्रिस्ट कहते हैं। अब इसी चीज़ को थियोमिक्रिस्ट होने का भी एक तरह का लाइक क्राइम माना जाता है, धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुँचाना, इसको लेकर बहुत बार लाइक केस हो जाता है काफ़ी लोगों पर। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे काफ़ी बार ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें किसी भी ईश्वर की, किसी भी तरह के धर्म से रिलेटेड किसी भी चीज़ का मजाक बनाया जाता है या फिर उसका अपमान किया जाता है मजाक बनाकर। तो उस चीज़ को क्या ऐसे इंसान जो भी उसने किया उसे क्या कहेंगे, थियोमिक्रिस्ट। ठीक है, आगे देखो एक और शब्द, बहुत ही खूबसूरत शब्द थियोमेंट्री। हम एक रूट वर्ड पढ़ेंगे, वो थोड़ा बाद में आएगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मेंसी की अगर आप कहीं पे भी देखते हो, ये कई जगह पर आता है, जैसे कि मैं बोलूँ कि एविमेंसी होता है, ठीक है, थियोमेंसी आपके सामने लिखा हो, तो मेंसी इज ऑलवेज रिलेटेड टू फॉर्च्यून टेलिंग, राइट, फॉर्च्यून टेलिंग। तो फॉर्च्यून टेलिंग यानी कि भविष्य बताना, ठीक है, लेकिन किसके थ्रू, थियो के थ्रू। अब थियो एक्चुअल में यहाँ पर गॉड डायरेक्ट भविष्य ना बताकर, ऐसे लोग जिनको ये माना जाता है कि इन पे ऊपर वाले का आशीर्वाद है, इसके अंदर आपने देखा होगा कि आप गाँव में काफ़ी जगह पर ऐसा सुना होगा आपने कि उसके अंदर माता आती है, उसके मुंह से तो आज माता बोली, या फिर बच्चों के लिए कहा जाता है कि बच्चे तो ईश्वर का रूप होते हैं, बच्चों ने कह दिया इनकी बात नहीं टालेंगे, बच्चा तो सच ही कहता है, है ना, तो बच्चे ने कह दिया। बहुत बार हम पूछते नहीं हैं छोटे छोटे बच्चों से, बता भाई मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बच्चा बोलता है होगा, हाँ भाई इसने बोल दिया अब तो ज़रूर होगा। या फिर बहुत बार जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं उनके बारे में हम लोग सुनते आए हैं, काफ़ी टाइम से सुनते आए हैं कि वो एक बार कह देता था वो सच ही हो जाता था, तो यानी कि उसकी कही गई बात एक्चुअल में सच हो जाएगी। क्यों हम मान रहे हैं ऐसा, क्योंकि थियो यानी कि गॉड का उसके ऊपर आशीर्वाद है। तो फॉर्च्यून टेलिंग थ्रू ओरेकल्स माना जाता है। ओरेकल्स एक्चुअल में क्या होती हैं दोस्तों, देखो ओरेकल्स की अगर मैं बात करूं तो ग्रीक के अंदर यानी कि यूनान के अंदर एक्चुअल में ओरेकल्स लाइक एक तरह से हर जो भी जहां पर भी पूजा अर्चना होती है ईश्वर को माना जाता है, वहां के जो पुजारी लोग होते हैं वो कुछ कन्याओं को वहां पर मंदिर के अंदर रखते हैं और कोई भी अगर कार्यक्रम करना होता है तो ओरेकल्स के थ्रू एक वाणी निकलती है, उस वाणी का यानी कि एक आवाज़ निकलती है, उस आवाज़ का एक मीनिंग बनाया जाता है और उसी मीनिंग के थ्रू कहा जाता है कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओरेकल्स के थ्रू भगवान बोले हैं कि ऐसा करना सही होगा आपके राज्य के लिए, आपकी आपके देश के लिए, या गलत होगा। ठीक है, तो ओरेकल्स मतलब क्या होती हैं, ओरेकल्स जो होती हैं जो लाइक डिवाइनली लाइक आई वुड से डिवाइनली क्या बोलते हैं उसको आशीर्वाद को भाई, डिवाइनली ब्लेस्ड होती हैं। ठीक है, ओरेकल्स आर नथिंग बट लाइक हुएवर इज़ डिवाइनली वर्शिप, हु इज़ कंसिडर्ड डिवाइनली वर्शिप्ड, डिवाइनली ब्लेस्ड, जो भी डिवाइनली ब्लेस्ड माना जाता है उसी को आप क्या कह सकते हो, ओरेकल्स कहते हो। तो ओरेकल्स के थ्रू अगर कोई भी भविष्यवाणी की जाती है उसे क्या, ऐसी ही प्रक्रिया को क्या कहोगे आप, थियोमेंसी। इसी से बनने वाला एडजेक्टिव आप अभी देख लो भाई, क्या बनेगा, थियोमेंटिक बनेगा, क्या बनेगा, थियोमेंटिक, ये एडजेक्टिव बन जाएगा। अब एक ही शब्द से आप दूसरा शब्द निकाल ले रहे हो, आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, नहीं क्या। अब देखो मैनिया आपने सीखा होगा, हाँ मैनिया का मतलब क्या होता है, एक तरह का पागलपन, ठीक है, तो थियोमेनिया क्या हो जाएगा, एक तरह का ऐसा पागलपन जिसके अंदर इंसान खुद को ईश्वर समझने लगता है, राइट। तो थियोमेनिया अगर इंसान यहाँ से मैं एडजेक्टिव बनाऊँ तो थियोमेनियाक एक तरह का एडजेक्टिव बन जाएगा, और इस एडजेक्टिव का मीनिंग क्या हो जाएगा, अ पेशेंट Who imagines himself a god? ठीक है, तो एक ऐसा पेशेंट जो अपने आप को ही क्या समझ ले, गॉड समझ ले, ईश्वर समझ ले, उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे थियोमेनियाक। और ऐसी बीमारी को क्या कहोगे, थियोमेनिया, ही सफरिंग फ्रॉम थियोमेनिया, वो किससे सफ़र कर रहा है, थियोमेनिया से, अपने आप को ईश्वर बताता है। अभी देखो जेल के अंदर बंद है राजा राम रहीम, सुना होगा आपने, गुरमीत राम रहीम शायद यही नाम है, हाँ, तो गुरमीत राम रहीम उसने अपने आप को देवता ही तो भगवान ही तो कहा था कि भाई मैं ही भगवान हूँ, हाँ, तो एक तरह से वो थियोमेनियाक हो गए थे, या फिर हो सकता है, खैर उन्होंने तो ढोंग रचा था, लेकिन थियोमेनियाक एक एक्चुअल में दिमागी बीमारी ही मानी जाएगी जिसके अंदर इंसान खुद को ईश्वर मानने लगता है। ठीक है, जगह जगह पे आशीर्वाद देने लगता है। अगला शब्द आपके सामने थियोमेस्टिक्स, बहुत ही खूबसूरत शब्द। ठीक है, तो थियोमेस्टिक्स एक्चुअल में क्या होता है, एक तरह से लाइक अ पनिशर, क्या कौन होता है, एक बार ब्लू से लिखने दो,
थियोमेस्टिक्स एक्चुअल में होता है अ पनिशर, पनिश का मतलब सजा देना, पनिशर सजा देने वाला, पनिशर अपॉइंटेड बाय गॉड, कि एक ऐसा भाई आप पृथ्वी पे आए हो, अगर आपसे कुछ भी गलत होता है तो भगवान थियोमेस्टिक्स के थ्रू, थियोमेस्टिक्स यानी कि भाई जो भी पनिशर सजा देने वाला उसने नियुक्त कर रखा है उसके थ्रू आपको क्या करेगा, सजा दिलवाएगा। ठीक है, कभी कभी कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जो थियोमेस्टिक एक्ट होते हैं, थियोमेस्टिक एक्ट, जैसे कि अगर मैं बोलूँ अभी वायरस चल रहा है, बहुत से लोगों ने इसे थियोमेस्टिक कहा है। क्या कहा है कि भाई आपने ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति का सर्वनाश कर दिया, जैसा सिस्टम बनाया था उन्होंने आप उनको सब बिगाड़ दिया, आप हर चीज़ के साथ मजाक करने लगे, हर चीज़ का आप विनाश करने लग गए, तो ऐसे में ईश्वर अब आपको सजा दे रहा है आपके उन सभी गुनाहों का जो गुनाह आपने किया है। तो एक तरह का ये क्या है, थियोमेस्टिक एक्ट है। ठीक है, तो अब वहीं पर अगर मैं बात करूं, आप इसे को क्या बोल सकते हो, पनिशर की जगह पर अगर आप नहीं कहना चाहो तो विप ऑफ गॉड भी कह सकते हो, विप ऑफ गॉड यानी कि भगवान की लाठी। विप का मतलब वैसे तो कौड़ा होता है, इसी के लिए एक सिनोनिमस शब्द और भी आता है, स्कोरेज। क्या आता है, स्कोरेज। तो स्करेज का मतलब, इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, कोड़ा। ठीक है, जो कोड़ा मारा जाता है, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लाइक अ पनिशर अपॉइंटेड बाय गॉड, थियोमेस्टिस्क। ठीक है, याद रह जाएगा दोस्तों। अगला शब्द देखो, थियो से ही बनने वाला एक और खूबसूरत शब्द, थियोलैट्री। और थियोलैट्री का मतलब क्या होता है, जब भी किसी भी डीटी का वर्शिप किया जाए, वर्शिप ऑफ डीटी। डीटी का मतलब क्या होता है भाई, देवता। ठीक है, क्या फर्क है ईश्वर और देवता में, वर्शिप ऑफ डीटी। तो जो भी इनकार्नेशन हुए हैं, इनकार्नेशन हमने कार्न रूट वर्ड किया था, कार्न रूट वर्ड के अंदर का मतलब क्या था, कार्न का मतलब फ्लैश या फिर बॉडी होता है। ठीक है, और उसमें हमने समझा था इनकार्नेशन यानी कि अवतार। तो जो भी भगवान जब पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और उस अवतार की जब पूजा की जाती है उसी को क्या कहते हैं, थियोलैट्री कहते हैं। ठीक है, डीटी। अब ये डीटी यानी कि किसी भी देवता। अब कुछ धर्मों के अंदर थियोलैट्री आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पत्थर पूजना भी एक तरह से क्या है, थियोलैट्री है, कि भाई आपने उसे भगवान मान लिया, उसी को देवता मान लिया, उस पत्थर को। ठीक है, आप मानते हैं कि उसमें वास करता है। तो अगर ऐसी बात है तो घर में लगे हुए सारे पत्थर देवता हुए, अरे हुए कि नहीं हुए, हाँ वो सबकी अपनी अलग अलग विचारधारा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ वर्शिप ऑफ डीटी तो इसका मतलब आपको ये समझना है, ऐसी हर वो चीज़ की पूजा अर्चना करना जिसको भी भगवान माना जाता है। ठीक है, अगला शब्द आपके सामने पैंथियज्म, और यहीं से देखो आपके और शब्द बन जाते हैं, पैंथियोन। क्या बनता है, पैंथियोन। हमने पैन रूट वर्ड के अंदर किया था, पैन का मतलब ऑल, थी का मतलब गॉड, इज्म यानी कि एक तरह की आइडियोलॉजी। ठीक है, और यहीं से बन जाता है आपका पैंथीस्ट। अब देखो पैंथीस्ट यानी कि इस आइडियोलॉजी को मानने वाला, और पैंथियोन क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां पर सभी धर्मों को क्या मिलता है, बराबर जगह मिलती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, लोटस टेम्पल, अरे है कि नहीं है, यहाँ पर हर तरह के भगवानों को पूजा होती है। ठीक है, हर धर्म की पूजा अर्चना यहाँ पर होती है। तो अगर पैंथीज्म की मैं बात करूँ यानी कि हर चीज़ में ईश्वर का वास करना, ऐसी विचारधारा जो होती है उसी को आप क्या कहते हो, पैंथीज्म। और पैंथीस्ट मतलब एक ऐसा इंसान जो ये माने कि हर जगह, हर कण में, हर इंसान में, हर जानवर में ईश्वर का वास करता है, उसी को आप क्या कहते हो, पैंथीस्ट कहते हो। ठीक है, दोबारा एक बार फटाफट, दो मिनट लगेंगे आप लोगों की रिविज़न अभी के अभी हो जाएगी, मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ आप लोगों को, बड़े ही खूबसूरत शब्द हैं। थीस्ट का मतलब हुआ एक ऐसा इंसान जो ईश्वर में यकीन करता है, अथीस्ट जो नहीं करता है। एग्नोस्टिक हमने समझा जो मानता नहीं, मतलब जो ये कहता है कि भाई मैं मानने को तैयार नहीं, मैं जान जाऊंगा तो कह दूंगा कि है, और जान जाऊंगा कि नहीं है तो कह दूंगा कि नहीं है। तो यानी कि ये क्या कहता है एग्नोस्टिक, कि मैं जानता नहीं कि एग्जिस्ट करता है ईश्वर या नहीं। ठीक है, अगला शब्द थियोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलीजन। आप जानते हो लॉजी का मतलब अध्ययन करना होता है, थियोक्रेसी रूल ऑफ क्लर्जी यानी पुजारी वर्ग का। इन दोनों में जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये कि यहाँ पर पुजारी वर्ग शासन करता है, यानी कि जो ईश्वर को मानने वाले जो लोगों की शासन व्यवस्था होती है, धर्म धार्मिक आधार के ऊपर जो शासन व्यवस्था होती है उसी को आप थियोक्रेसी कहते हो, और अगर गॉड डायरेक्ट खुद शासन करे तो उसे थियार्की आप कहेंगे। थियोडी मतलब अ काइंड ऑफ हिम इन प्रेज ऑफ गॉड, ईश्वर की आराधना में कोई भी भजन लिखा जाए, कोई भी भजन हो उसी को क्या कहते हैं, थियोडी कहते हैं। बहुत सारे पोइट्स ने क्या किया है, थियोडी लिखी है। ठीक है,
आ जाओ अगले शब्द पर, लिखा हुआ है थियोलॉग्यूमेनन। हम मैंने आपको पहले ही समझाया कि स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, इनकरेक्ट स्पेलिंग्स या करेक्ट स्पेलिंग के अंदर आपको ये शब्द देखने को मिल सकता है। ध्यान रखें, एक ऐसा इंसान जिसकी अपने खुद का एक अलग विचारधारा है, उन विचारधारा से अलग है जो कि सब लोग मानते हैं, ठीक है, जो भी डोगमा है या फिर डॉक्ट्रीन है, डॉक्ट्रीन मतलब जो माने हुए सिद्धांत हैं जो सभी से मानते हुए आए हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई शनिवार को लाइक शनि महाराज की या फिर लाइक बजरंग बली की पूजा होनी चाहिए, सोमवार को लाइक भगवान शिव की होनी चाहिए, इस तरह से हम मानते हुए हैं। तो ये हमने जाना थोड़ा है, हमने तो सिर्फ माना है, तो हम एक तरह से क्या हो गए, अथीस्ट हो गए। लेकिन अग्नोस्टिक ऐसा इंसान होता है जो बोलता है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, मैं जानना चाहता हूँ, ऐसे को क्या कहते हो, एग्नोस्टिक कहते हो, ठीक है। और हम बात कर रहे थे अभी क्या कि ऐसी ही विचारधाराओं को जो नहीं हम माने और वो अपनी तरफ से खुद का एक अलग परिभाषा दे ईश्वर की, उसी को हम क्या कहेंगे, थियोलॉग्यूमेनन कहेंगे, ठीक है। सिंगुलर है, प्लूरल ऐसे एस लगा के आप बना सकते हो। अगला शब्द थियोलॉग, तो मतलब स्टूडेंट ऑफ रिलीजन, धर्म के बारे में पढ़ाई करने वाला जो विद्यार्थी होता है उसे आप थियोलॉग कहते हो। थियोमैकी का मतलब आपने समझा, एक ऐसा इंसान जो ईश्वर का विरोध करे, और थियोमैट्री यानी कि जो ये निर्धारित करे कि इसे पूजा जाए या फिर ये ईश्वर है ये नहीं है। थियोमिक्रिस्ट का मतलब आपको मैंने समझाया, जो मिक्री आपसे याद रखना है मिमिक्री से, और इसका मतलब क्या होता है कि जो ईश्वर का मजाक बनाए उसके लिए शब्द यूज़ होता है थियोमिक्रिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट शब्द आपके पास में है थियोमेंसी। मेंसी को मैंने समझाया फॉर्चून टेलिंग के लिए आता है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, थियोमेंटिक, मैंने इसी से एडजेक्टिव बनाया है, ये अपने आप में क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। थियोमेंसी यानी कि फॉर्चून टेलिंग थ्रू ऑरेकल्स, ऑरेकल्स के थ्रू भाई भविष्य बताना। थियोमैनिया की अगर आप बात करो तो एक ऐसा पेशेंट जो खुद को ईश्वर मान लेता है, थियोमैनिया वो बीमारी हो जाएगी, ठीक है। थियोमेस्टिक्स का मतलब आपने समझा कि जो ईश्वर की लाठी होती है एक तरह से, है ना, बोलते हैं भगवान ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, वो वाली जो लाठी जिसकी आप बात कर रहे हो, यानी कि जब ऊपर वाला जब सजा देता है किसी के भी थ्रू देता है तो पता नहीं चलता, तो उसी सजा को हम क्या कहते हैं, थियोमेस्टिक्स। इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हो थियोमेस्टिक्स के, अगर मैं बात करूं तो जैसे कि बहुत बार कहा गया है, जैसे कि अभी एक महामारी हमने समझा भी था, और अगर कितनी सारी आपदाएं आई हैं, जैसे कि गुजरात के अंदर जो हुआ था, कुछ लोग कहते हैं वो थियोमेस्टिक्स था, लोग सब के सब क्या हो गए हैं एकदम से लाइक मैं बोलूं कि भौतिकवादी हो गए हैं, उनको सिर्फ भौतिकता से ही, फिजिकैलिटी से ही मतलब होता है, उनका स्पिरिचुअलिटी ख़त्म हो चुकी है, तो उसी स्पिरिचुअलिटी को जगाने के लिए ईश्वर की तरफ से एक आवाज़ थी। अगला शब्द है थियोलैट्री। थियोलैट्री का मतलब हो गया देवताओं की पूजा करना एक तरह का, ठीक है। फिर अगला शब्द बड़ा ही आसान, पैंथीज्म या फिर पैंथियन। सो गाइज, ये थी हमारी वोकैबुलरी की क्लास। इवनिंग में आपको आपकी ग्रामर की क्लास ज़रूर मिलेगी, टाइम से ज़रूर देखें, ठीक है। सो इट वॉज़ वंडरफुल मीटिंग यू ऑल गाइज, एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।